गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम वन पॉइंट फोर जो है अपनी स्टार्ट uh, जो की हुई थी हम उसे कंटिन्यू करेंगे और जिसमें हम पढ़ रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मेट्रिस का टॉपिक अब हमने मल्टीप्लीकेशन तो सीख ली है मेट्रिस की अब हम इसको प्रैक्टिस में लेकर आएंगे और डिफरेंट और थोड़े कॉम्प्लेक्स मेट्रिस को यानी पहले हमने टू बाई टू की की आपस में अब हम डिफरेंट ऑर्डर के जो मेट्रसेज हैं उनको मल्टीप्लीकेशन सीखेंगे अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर का सी पार्ट देखते हैं मल्टीप्लाई द मैट्रिसेस मल्टीप्लाई करेंगे अब देखें इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं टू एंड इसमें नंबर ऑफ रोज टू यानी दीज टू मैट्रिसेस आर कम कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन अब फर्स्ट जो मैट्रिक्स है उसकी रो और सेकेंड कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स का पहला कॉलम मल्टीप्लाई होगा यानी वन मल्टीप्लाई होगा वन से प्लस टू मल्टीप्लाई होगा फोर से इसी तरह फर्स्ट जो रो uh, है उसने फर्स्ट कॉलम से सेकंड कॉलम से और थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई होना है इसी तरह फर्स्ट रो सेकंड रो ने फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम से इसी तरह थर्ड रो ने फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई होना है अच्छा जी उसके बाद हम इनको ऐड कर दे देंगे और फिर ये हमारे पास आंसर आ जाएगा और सेम ये पिछले वाले क्वेश्चन की तरह सॉल्व हो जाएगा अब क्वेश्चन नंबर फाइव देखें लेट ए इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस एंड सी इज इक्वल टू दिस वेरीफाई करें क्या ए बी बी ए के इक्वल है या नहीं है अब यहाँ पे हम देखेंगे हमने ए बी का मतलब है प्रोडक्ट लेना मल्टीप्लाई करना सेम कंफर्मेबल है या नहीं चेक करेंगे नंबर ऑफ रो कॉलम्स नंबर ऑफ रोज इक्वल हैं ठीक है इनको सेम मल्टीप्लाई किया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम ठीक है और ये हमारे पास आ गया ए बी अब राइट हैंड साइड में बी ए है इसमें पहले बी का मैट्रिक्स लिखेंगे फिर ए का वन को माइनस वन से टू को टू से और इस तरह से पूरा और फिर ये अब अगर आप ये देखें ए बी और बी इक्वल नहीं है तो हम ये कहेंगे ये इक्वेशन वन थी ये इक्वेशन टू तो फ्रॉम वन एंड टू ए बी इज नॉट इक्व टू बी ए क्वेश्चन नंबर सिक्स देखेंगे क्वेश्चन नंबर सिक्स में है फॉर द मैट्रिसेस ए बी एंड सी वेरीफाई करें ए बी का ट्रांसपोज इक्वल है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज का ए बी ट्रांसपोज लेफ्ट हैंड साइड है ए बी का ट्रांसपोज का मतलब है ए और बी का प्रोडक्ट लें उसका ट्रांसपोज लें पहले प्रोडक्ट लिए आ गया फिर उसका ट्रांसपोज लिया ओके okay, फाइन ये हमारी फर्स्ट जो है ना uh, इक्वेशन बन गई है फर्स्ट हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आ गया यहाँ से अब हम राइट हैंड साइड की तरफ आएंगे तो इसका यहाँ है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इट मीन्स पहले बी का ट्रांसपोज लिया देन ए का ट्रांसपोज लिया फिर दोनों का प्रोडक्ट ले लिया और ये आ गया माइनस टेन माइनस सेवनटीन टू एंड फोर और ये भी था माइनस टेन माइनस सेवनटीन टू एंड फोर तो ये इक्वेशन वन और टू से हमें पता चल गया ए बी का ट्रांसपोज इक्वल है बी टी ए टी यानी बी टी और ए टी के प्रोडक्ट से तो इस तरह से इसका जो है आपने सेकेंड पार्ट भी करना है और बाकी जो फिर आपको प्रॉब्लम होगी वो हम जूम क्लास में डिस्कस करेंगे थैंक यू